नहीं, होते हो तो सिंपली क्या करते हो, फाइनली बैक मैं बता देता हूँ। आप वाइट स्टूडियो खोल खोल के मतलब क्या करते हो, नहीं 4-5 वीडियो डाल लेने के बाद अपना क्या करते हो, वॉच टाइम देखते रहते हो, क्योंकि 4000 घंटे का वॉच टाइम आपको चाहिए ही चाहिए कि नहीं। अब मतलब बराबर आप उसको चेक करते रहते हो, आज 2 घंटे बढ़ा या 3 घंटे बढ़ा, आज यार जितना आधे घंटे बढ़ा, सब कुछ चेक करते हो। उसी बीच में आपको महीने तो महीने बाद ये देखने को मिलता है कि नहीं आपका वॉच टाइम कम हो गया। कि वॉच टाइम कम क्यों हो गया भाई, क्या रीजन आ गया? हम तो फाइनली सब कुछ कर ही रहे, हमारा वॉच टाइम अभी ज्यादा था, 67 था, अब 55 कैसे आ गया? तो मतलब उसी को आपके कंफ्यूजन जो है उसका मैं सोल्यूशन लेके आया हूँ, उसको डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा एकदम जेन्युइन तरीके से। उससे पहले आप वीडियो बनाए तो प्लीज वीडियो को बस एंड तक देखना, तो जान लेते हैं कि नहीं हमारा वॉच टाइम कम क्यों होता है। देखो भाई वॉच टाइम कभी भी कम नहीं होता, ठीक है? अब ये कभी कब दिक्कत आती है आपको पता है, जब 1 महीने आपका क्रॉस कर जाता है उसके बाद दिक्कत आती है। क्योंकि जो हमारा वाईटी स्टूडियो होता है, उसमें लास्ट 28 दिन का दिखाता है। अभी आधे आधे लोगों के माइंड में आ गया, अरे बस मैं समझ गया भाई साहब, अभी वीडियो को स्किप ना करना, अभी तो आप समझ गए हो, थोड़ा देख भी लो क्या प्रोसेस है क्या नहीं, ठीक है? आप मतलब थोड़ा रुक भी जाया करो वीडियो पे, तो जान लेते हैं कैसे है कैसे नहीं। इसमें देख सकते हैं चैनल एनालिसिस में लास्ट 28 डे दिखा रहा है, लास्ट 28 डे। अब हम वॉच टाइम हमारा 86 है, तो मतलब आपका सपोर्टर जैसे 4, 5 या 15, 20 रहा होगा और घट गया होगा, 9, 10 हो गया होगा, या आपका 52, 53 रहा होगा और घट गया होगा, 30, 40 आ गया होगा। नहीं आपका, आप तो सोचोगे अरे हमें तो 4000 करना है तो घटता ही जा रहा है, तो मतलब उसी को जान लेते हैं। वो लास्ट भाई साहब, वो लास्ट 28 दिन का दिखा रहा है, ठीक है, आपका ना कि पूरा दिखा रहा है। आप मतलब हमें 4000 वॉच टाइम जो चाहिए 365 दिन में चाहिए, वो उसका दिखाता है। तो सपोर्टेड आ जाते हैं, इस पर हम क्लिक कर देते हैं, ठीक है। क्लिक कर देने के बाद वॉच टाइम में देखते हैं, यहाँ पे हमारा 86.6 दिखा रहा है। अब फिर हम इस पर क्लिक करते हैं, देखना अभी हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब हमारा लास्ट 365 दिन का वॉच टाइम चाहिए, तो यहाँ पर कर देते हैं लास्ट 365। अभी देख सकते हैं हमारा वॉच टाइम दिखा रहा है 535 घंटे, ठीक है। आप देख सकते हैं नीचे शो कर रहा है 535 घंटे और 28 दिन का शो कर रहा है 88। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है मेरे भाई कि वॉच टाइम नहीं घटता है, अपने माइंड को वॉश करो और समझो इस ट्रिक को कि नहीं यहाँ से देखते हैं टोटल, मतलब 365 दिन का दिखाता है कि नहीं यहाँ से है, और इसमें एक लाइफ टाइम का दिखाता है जब तक आपका चैनल की जर्नी शुरू से स्टार्ट होती है लास्ट तक, उसमें ये लाइफ टाइम तक दिखाता है। और इसमें हर महीने बाई महीने, जैसे जुलाई में मेरा वॉच टाइम 38 हुआ था, और जून में देख सकते हैं 76 हुआ था, और मई में देख सकते हैं 54 हुआ था। मतलब इसमें पूरा आपको मतलब डिटेल बाई डिटेल बताएगा, और लास्ट आप 365 कर देंगे आपका टोटल दिख जाएगा। अगर आपका उससे भी चैनल बढ़ा है तो आप क्या करें, लाइफ टाइम वाले क्लिक कर देंगे तो आपका पूरा पूरा दिखा देगा ना, 365 में पूरा ही दिखाता है, क्योंकि लास्ट 365 दिन का वॉच टाइम ही देख जाता है मेरे भाई, ना कि पूरी लाइफ। मतलब जो आपका मोनेटाइज के लिए जब भी भेजोगे तो 365 दिन, मतलब लास्ट में 365 दिन क्या हो, 4000 घंटे आपका वॉच टाइम कंप्लीट होना चाहिए। मतलब आज की वीडियो में यही था, और प्लस अब एक चीज़ ये जान लेते हैं, नहीं इसमें व्यू भी वही सेम प्रोसेस व्यू का भी है। व्यू पे हम क्लिक करते हैं और इसमें देखते हैं हमारा 4.3 के दिखा रहा है। अब 365 करेंगे तो देख सकते हैं 76,136 व्यू दिखाने लगा। मतलब मेरे भाई कि नहीं इसमें जो है लास्ट 28 दिन का दिखाता है। अब मैं वीडियो को करता हूँ यहीं से एंड, लेता हूँ आपसे अलविदा, क्योंकि एकदम छोटी सी वीडियो, जेन्युइन वीडियो आपको दिखा दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।